आज 22 जुलाई 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 22 जुलाई 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए, मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली पूरी धारणा के ऊपर है, जो ब्रह्मा कुमारी का महामंत्र है, ओम शांति ग्रीटिंग वर्ड। आज बाबा ने कहा है कि बच्चे कुछ भी हो जाए, आपको झरमुई झगमुई या झगड़ा नहीं करना है। कोई उल्टा सुल्टा बोलता है तो जवाब नहीं देना है, शांत रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। विशेष बाबा ने कहा कि अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, तो कांटों के बीच में रह कल फूल बनना है। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है कि कांटों के बीच में रहकर फूल बनना है, कांटा नहीं बनना है। और ऐसे कोई कार्य नहीं करना है जिससे कि बाप की निंदा हो। जो बच्चे झगड़ा करते हैं तो बाबा की निंदा करते हैं, संस्था का नाम बदनाम होता है। आज तो बाबा ने कहा, कुछ लोग रिपोर्ट भी लिखते हैं कि ये घर में आते ही धम चक्र मचा देते हैं। तो गृहस्थी वालों को भी देखना है, घर में रहते हुए हमारे वजह से किसी को दुख नहीं मिले, अशांति नहीं फैलानी है। अशांति माया फैलाती है, हमारा काम है शांति के वाइब्रेशन फैलाना। तो बाबा ने कहा, बच्चों को बाप वरदान देते हैं सुख और शांति का, इसमें सब आ जाता है, सुख और शांति। तो सुख और शांति का कनेक्शन हम देखने वाले हैं। बाबा ने आज कहा कि जब दूसरे धर्म आते हैं तो हंगामे होते हैं, पर सतयुग में और त्रेता युग में दूसरे धर्म होता नहीं, उसी को कहते विश्व में शांति। तो अशांति क्यों होती है, अशांति का सॉल्यूशन क्या है, और सुख और शांति का कनेक्शन हम देखने वाले हैं। फिर विशेष बाबा ने कहा कि माया देह अभिमान में लाने की कोशिश करेगी आंखों के द्वारा, तो उसको कंट्रोल में रखना है, सभी इंद्रियों को। निश्चय जिसका पक्का होगा उसे माया हक नहीं कर सकती, अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हराती है। और बंदर सेना और शिव शक्ति सेना, इसका फर्क बाबा ने बताया कि कैसे वो लोग बंदर सेना कहते हैं, उसके पीछे राज क्या है कि हम बंदर मिसल बन गए हैं। कृपा और आशीर्वाद नहीं मांगनी चाहिए बाबा से, ये बात फिर से आई है। और निश्चिंत बनना है तो निश्चिंत का आधार है निश्चय। तो बड़े बाप को साथ में रखेंगे तो बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। और शुभ भावना के स्टॉक द्वारा हम निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। ये आज की पूरी मुरली है। शुरुआत हम करेंगे जो सबसे बड़ा पेपर है, मैं जहाँ पर भी जाता हूँ सेंटर पे, मोस्ट ऑफ द सेंटर्स में मैं ये प्रश्न पूछता हूँ, चार बातें तो मैं पूछता हूँ कि
क्रोध करना अच्छा है या खराब है, तो सभी कहते खराब है। फिर मैं पूछता हूँ, क्रोध करने से रिश्ते बनते हैं या बिगड़ते हैं, तो सभी कहते हैं बिगड़ते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, क्रोध करने के बाद पश्चाताप होता है या नहीं होता है, तो कहते हैं पश्चाताप होता है, बाद में गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं थी, बगैर गुस्से के भी काम हो सकता है। फिर मैं पूछता हूँ कि कौन कौन गुस्सा नहीं करता है, तो पूरा सन्नाटा छा जाता है। कहीं कहीं पे एक दो भाई बहनें हाथ खड़ा कर लेते हैं। माना मेजॉरिटी लोग स्वीकार करते हैं कि हमारे अंदर का गुस्सा अभी तक गया नहीं। एक होता है मन के अंदर गुस्सा रखना, कई लोग गुस्से को व्यक्त नहीं करते लेकिन मन में फील करते हैं, ये भी खतरनाक हो सकता है। तो गुस्सा सबको आता है और गुस्से की जड़ भगवत गीता बताती है, कामात क्रोधो भी जायते। हमने ये तीनों का कनेक्शन बहुत बार देखा है, जितना जितना इसकी गहराई में जाके हम मनन चिंतन करेंगे उतना ये बच्चू बादशाह और पीरू वजीर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाबा क्यों कहता है कि बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या बनो, क्योंकि जब तक इच्छा है माना कामनाएं है, तो कामनाएं जब तक है तब तक पवित्रता की संपूर्ण परसेंटेज आ नहीं सकती है, क्योंकि काम विकार का बीज है कामनाएं, हद की कामनाएं, जिसको बाबा ने कहा चाहिए चाहिए, जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी कहते थे कि देर इज इनफ फॉर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल बट नॉट इनफ फॉर द ग्रीड ऑफ द इंडिविजुअल। चाहिए की भी कोई लिमिट होती है। मैं अभी कितने केसेस देखता हूँ कि बड़े बड़े बिजनेस लेने के लिए कर्जा उठाया और फिर कर्जा चुकता नहीं कर पाए तो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लेते हैं या भाग के चले जाते हैं। जैसे भारत के बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा, अभी इस समय कर्नाटक में हूँ मैं, मैंगलोर में हूँ, तो कर्नाटक के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिनका दारू का बिजनेस यूनाइटेड ब्रेवरीज, जो पढ़े लिखे बाबा के बच्चे हैं वो जानते हैं, विजय माल्या, इनके ऊपर कर्जा हुआ तो भारत छोड़कर भाग के चले गए। ऐसे ही ज्वेलर्स भी है जो भाग के चले गए हैं। तो कर्जा होता है तो या तो अपने को ख़त्म कर देते हैं या तो फिर भाग के चले जाते हैं। अभी मैं इधर मैंगलोर में एक ब्रिज के ऊपर गया तो उस ब्रिज को बैरिकेड्स डाले हैं, क्योंकि कोई कॉफ़ी डे का जो ओनर था उसने यहाँ से जंप मार दिया नदी में, तो अभी लोगों को डर लगता है, नदियों में से भी जंप मार लेते हैं क्योंकि कर्जा चुक तो नहीं कर पाते। अभी इतना कर्जा उठा के रिस्क लेना ठीक है, बिजनेस में रिस्क लेते हैं लोग, पर रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए, जजमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो कहने का भाव है कि हमको ज़रूरत के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। क्यों बाबा कहता है कि बच्चे साधारण रहो। अभी ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी आपने पढ़ी होगी, कितना रॉयल रहते थे, लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया बाबा ने एकदम सिंपल जीवन चालू किया। इवन रहने के लिए भी झोपड़ी में रहते थे, छोटे कमरे में, और बच्चों के लिए बड़े बड़े मकान बनाए बाबा ने। दादियाँ हमको सुनाती थी कि बाबा को बोलते थे कि बाबा आपके लिए अच्छा मकान, बाबा ने कहा नहीं ये पुरानी जुत्ती है। तो बाबा पुरानी जुत्ती कहता था शरीर को। अभी ये फैक्ट है, सन्यासी भी अगर आप देखो, अभी के सन्यासी नहीं, पहले के जो सन्यासी भी सतोप्रधान जब थे, तो मैंने जब ये चरित्र पढ़ा आदि शंकराचार्य, तो केवल 5 घर से ही भिक्षा मांगते थे। 5 घर में जो मिलेगा उसके ऊपर जीवन उस दिन का निकालते थे, नहीं मिला तो कुछ नहीं, उस दिन भूखे रहना है। और उस समय ऐसे था कि सन्यासियों को दान देना भी लोग एक स्टेटस सिंबल था, तो सन्यासियों का इतना रिगार्ड और रिस्पेक्ट था, और वो भी फॉलो करते थे, एक स्थान पर कहीं पे रुकते नहीं थे ज़्यादा, क्योंकि किसी स्थान पर रुके तो वहाँ पे अटैचमेंट हो जाएगा, इसलिए इनको परिव्राजक सन्यासी माना भटकते हुए सन्यासी कहते थे। और एक लंगोट
और हाथ में कमंडलू करके होता है जिसमें पानी पीने के लिए, कई तो वो भी नहीं इस्तेमाल करते थे। अभी ये सब क्यों था? इसके पीछे राज था कि कहीं पर भी फंसना नहीं है, मुक्त होना है। अभी हम तो ऐसे सन्यासियों की तरह रह नहीं सकते, ना बाबा ने कहा हुआ है, लेकिन इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, भाव है, उसको समझना है। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा हुआ है, मुझे भी बाबा की यह बात मोटिवेट किया कि अगर दो वक्त की रोटी मिल रहा है और अगर कोई ज्यादा जिम्मेवारी नहीं है तो पुरुषार्थ करो बाप को याद करने का। तो मैं देखता हूँ बाबा के बच्चे देश विदेश में है, घर गृहस्थ में है, तो जो अच्छे तपस्वी आत्माएं हैं जिनका लक्ष्य बहुत ऊंचा है, तो वो ये ध्यान में रखते हैं कि हमको बंधन से मुक्त होना है। बंधन बांधने नहीं है, नए क्रिएट नहीं करने हैं। ऐसे भी है जिनका दोतरे पोतरे में मोह जाता है, घर वालों में मोह जाता है, लेकिन ऐसे भी हमने देखे हैं कि जो लक्ष्य ऊंचा रख के उस अनुसार अपनी साधना कर रहे हैं कि मुझे कर्मातीत बन के जाना है। ये घर गृहस्थ वालों की मैं बात सुना रहा हूँ, तो कमाल है बाबा के बच्चों की। और इसका बीज क्या है? तो इच्छा है। अभी रहने के लिए कितनी जगह चाहिए, कमरा कितना बड़ा होना चाहिए, कमरे में कितने साधन होने चाहिए। अभी आपके पास धन है तो नथिंग रॉन्ग, नौकर चाकर रख सकते हैं, सब कुछ है। पर ये सब करने के बाद हमको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि साथ में कुछ नहीं आने वाला है। ये सब चीजें जो हम इकट्ठा करते हैं, अभी कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था चीजों को भी इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि जितना बड़ा घर, जितनी ज्यादा कपड़े, चीजें, गाड़ियां, इन सब का मेंटेनेंस होता है। अभी जिसका बड़ा घर है, आप उसको पूछो साफ सफाई में कितना एनर्जी जाता है। आपकी जितनी ज्यादा चीजें हैं उतना उनको संभालना पड़ता है, जितनी कम चीजें हैं उतना उसमें बुद्धि नहीं जाएगी, नहीं तो बुद्धि को कितने काम करने पड़ते हैं। बुद्धि इससे निकलना है, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी जिम्मेवारियों को नहीं निभाना है, भाव को समझना है कि क्रोध क्यों आता है। क्रोध आता है कि हम जो इच्छाओं को जन्म देते हैं वो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, तब क्रोध आता है। भक्ति मार्ग में सॉल्यूशन क्या दिया है इसका? तो भक्ति मार्ग बोलते हैं, एक तो कम से कम चीजों का इस्तेमाल करो, है ना, जितना आवश्यक है उतना। तो आवश्यक क्या है? दो वक्त की रोटी चाहिए, रहने को घर चाहिए, दो जोड़ी कपड़ा चाहिए, और आपके पास धन है तो एक साधन चाहिए, कार या गाड़ी, जो भी है। हमारे कितने बाबा के बच्चे मैं देखता हूँ, मधुबन में भी है, जो कार नहीं लेते, जबकि सबके पास कार आ गई लेकिन ये आज तक नहीं कार लेते। मैं जगदीश भाई का आपको अनुभव सुनाता हूँ कि एक बार वो आए थे कहीं से सेवा से, लेट हो गया, तो वो जो एकोमोडेशन देने वाला वो आए नहीं, तो ये गाड़ी में ही बैठे रहे रात भर। उन्होंने अपने नाम से कोई मकान भी नहीं बनवाया कि मेरे नाम से कोई मकान नहीं चाहिए, जहां सब बाबा के बच्चे रहते मैं भी रहूंगा ऐसे ही। तो ये तपस्वी आत्मा का लक्षण है कि अपने लिए कम से कम सुविधाएं ये लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि इसमें बुद्धि फंस सकती है। अभी इससे ऊंची अवस्था है, बाबा ने इसके बारे में भी कहा है कि वैराग्य माना ये नहीं कि आपके पास कुछ है ही नहीं और आप कहो वैरागी। इससे ऊंची अवस्था है कि आपके पास सभी सुख सुविधा के साधन हैं। तो बाबा ने कहा साधनों को मालिक बनकर यूज करो, लेकिन उसमें फंसना नहीं है, ये ऊंची अवस्था है। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, तो हर एक को चेक करना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी बताया, जब वो बहन ने बाबा को पूछा कि बाबा टीवी देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, उस वक्त की बात है जब मोबाइल नहीं थे, तो बाबा ने कहा बच्चे अवस्था की चेकिंग करना है तो जरूर देखो, वरना टीवी देखने के बाद आपकी वृत्ति चंचल होती है तो आपको नहीं देखना चाहिए। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो आप उससे मुक्त हो। ऐसे ही मोबाइल भी है, अभी मोबाइल एक बहुत अच्छा डिवाइस है,
इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ। मोबाइल से कितने काम होते हैं, हम सब बिल देखते हैं, भरते हैं, मोबाइल रिचार्ज होता है, क्या नहीं करते, बैंक अकाउंट इसके साथ जुड़ा हुआ है, कम्युनिकेशन कितना फास्ट है। लेकिन ये मोबाइल को अगर एंटरटेनमेंट डिवाइस करके यूज किया तो फिर आप उसमें फंसने के चांसेस है। तो चेक करना चाहिए। ये सब बातें बताने के पीछे जड़ में हम आ रहे हैं कि इच्छा मनुष्य को भटकाती है और इच्छा से गुस्सा आता है। अभी ये जो बाबा कहता है झरमुई झगमुई की बातें या उल्टी सुलटी, अभी ये सब केसेस हमने देखे हैं। गुस्से में आने के बाद क्या क्या बोल देते हैं, उस समय जैसे दिमाग कहीं बाहर निकाल के रखा हुआ है, उनको ही नहीं पता होता है क्या, क्योंकि ये भूत है। जैसे जब कोई भूत प्रवेश करता है तो व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है, पोजीशन हम बोलते हैं, तो उसमें उसको पता ही नहीं होता है। जब होश में आता है तो उसको बताया जाता है कि वो भूत की प्रवेशता के वक्त तुमने ये किया। ऐसे ही क्रोध में आके ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं जो बाद में पश्चाताप करना पड़ता है। आप कितने कोर्ट में देखो केसेस है, जो जेल में लोग पड़े हुए हैं, उन्होंने गुस्से में आकर ही ये सब दुष्कर्म किए हुए हैं। गुस्से में आकर किसी को मार डाला, खून कर दिया, पर वो हो गया कर्म, उसके बाद में होश में आ गए, लेकिन उसकी सजा तो मिलेगी। बाबा ये कह रहा है आप घर में भी रहते हो तो घर में भी बहुत शांति होनी चाहिए, क्लेश नहीं होना चाहिए। मैं इसके ऊपर आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल अनुभव सुना सकता हूँ। हमारे यहाँ का एक केस सुना था मुंबई का, अभी उसके लौकिक भाई परिवार पूरा ज्ञान में चल रहा है, और उसका जो वीआईपी सोल है जिसको लेके हम मधुबन गए थे, ये ब्रह्मचारी है, ज्योतिष जानने वाला और शुद्ध भोजन करने वाला, लेकिन ये ब्रह्मा कुमारी में कभी नहीं आए, जबकि उसका भाई का पूरा परिवार है ओम शांति में जाते, उसको रोज बोलते थे आओ, लेकिन ये गया नहीं। 25 साल ड्रामा प्लान अनुसार हम उनको लेके गए मधुबन में, तो जैसे ही बाबा के कमरे में बैठा तो ये रोने लगे भाई साहब। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि ये रो क्यों रहे हैं, तो मैंने उनको बाहर आने के बाद पूछा आप क्यों रो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे से गलती हो गई। मैंने कहा क्या गलती हुई, बोला मेरा लौकिक भाई और उनका परिवार 25 साल से ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति में और मुझे रोज बोलते थे लेकिन मैं आया नहीं। मैंने कहा अगर वो बोलते थे तो आप आए क्यों नहीं, बोला कैसे आऊं, ये लोग ओम शांति बोलते लेकिन रोज इनका झगड़ा चलता है घर पे, एक दूसरे को कितना जोर जोर से बोलते हैं, तो मैं सोचता था ये कौन सी ओम शांति है। तो ये मेरे लिए केस स्टडी था कि लोग हमारे जीवन को देखते हैं कि हम घर गृहस्थ में कैसे रहते हैं, एक दूसरे के साथ हमारा व्यवहार कैसे है। आज बाबा ने ये जो बात कही, कांटों के बीच में फूल की तरह रहना है, जैसे फूल होता है वो कांटों के बीच में रहता है लेकिन फिर भी अपनी खुशबू को फैलाता रहता है। मुझे कई बीके भाई बहने जो जॉब पर जाते हैं वो कहते हैं कि हमारी कंपनी में चारों तरफ गंदी बातें करते हैं, निगेटिव एटमोसफियर होता है, अभी उसमें हम कैसे पॉजिटिव रहे। तो बाबा ने इसका जवाब दिया है एक मुरली में, बाबा ने देखो कितना सुंदर बताया, ये कांटों के बीच फूल की बात है। बाबा ने कहा कि आपकी रचना है अगरबत्ती, अभी अगरबत्ती कभी भी कंप्लेंट नहीं करती कि बदबू है, अगरबत्ती अपनी खुशबू फैलाती है, तो बस हमको भी अगरबत्ती की तरह खुशबू फैलानी है। तो ये सामान लेना चाहिए जिनके चारों तरफ ऐसे कांटे हैं या दुखदायी बातें हैं, उनको ये सामान लेना चाहिए कि मैं भगवान की अगरबत्ती हूँ या मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। मुझे भगवान ने यहाँ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे द्वारा ही इन आत्माओं का कल्याण होने वाला है। आप देखो किसी भी संतों का जीवन देखो, धर्म स्थापकों का, कितनी स्टोरीज भरी पड़ी है। एक अंगुली माल करके स्टोरी है, बुद्धिस्ट धर्म में आते हैं तो बुद्ध ने उसका परिवर्तन कर दिया, वो हरेक की अंगुली काट के गले में माला पहनता था, ऐसे कहानी आती है। तो लोग बुद्ध को बताते कि उस जंगल में मत जा, वह अंगुली माल रहता है, वो हरेक को काटता है और अंगुली की माला पहनता है। तो बुद्ध कहता है फिर तो मुझे जरूर जाना पड़ेगा।
सो इन सब महान पवित्र आत्माओं ने परिवर्तन करके दिखाया है। तो हमको भी ये स्वमान लेना है कि हम भगवान के बगीचे के, अल्लाह के बगीचे के खुशबूदार फूल है, और हम जहाँ जाएंगे वहाँ पर शांति के प्रकंपन फैलाएंगे। तो ये बहुत सुंदर अभ्यास है। मैं दोनों स्वमान का अभ्यास मुझे बहुत खुशी देती है। कई बार ट्रेन में जाते समय, बस डेपो पर या एयरपोर्ट पर, मैं ये स्वमान में बैठ जाता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि कितना प्रभाव पड़ता है, कितनी शांति होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप करके अनुभव शेयर कर सकते हैं। मुझे इसमें बहुत अच्छे अनुभव आए, लेकिन हमारा योग अच्छा चाहिए, अवस्था अच्छी चाहिए। कभी भी गुस्से में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए बाद में पश्चाताप हो। मैंने कितने लोगों का काउंसलिंग किया है, तो वो यही कह रहे हैं कि उस आत्मा ने, उस भाई ने या बहन ने गुस्से में आकर हमको 10 साल पहले, 20 साल पहले बात कही थी, आज भी याद है, और उनके लिए बद्दुआ निकलती है। आप सोचो, आई वॉज शॉक्ड। वो उस आत्मा ने 10 साल पहले, 20 साल पहले गुस्से में आपके आपको कुछ बोला, अभी अभी तक उसको दुआ ही नहीं मिल रही है। तो एक इंसिडेंस लोग कितना याद में रखते हैं, आप सोचो। इसके साथ कनेक्ट करो। आई एम श्योर हम सबके जीवन में ऐसे प्रसंग आते हैं, जितना जल्दी हम इनको भूलते हैं और आगे जाते हैं उतना अच्छा है। प्रिवेंशन की बात आज बाबा कह रहे हैं। व्हाट प्रिवेंशन की, कौन सी बात? तो बाबा ने कहा, आंखों को कब्जे में रखना है, ये प्रिवेंशन बाबा मैंने रोकने की बात कह रहा है। खबरदार रहना है, खबरदार रहना है, क्योंकि गलती होने के बाद फिर पश्चाताप होगा, और उसको फिर वो जो बोझा चढ़ता है उसको ठीक करने में काफी टाइम जाएगा। विशेष आज बात मुझे और अच्छी लगी, बाबा ने कहा कि देखो, याद न करने से माया समझ जाती है कि इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ आकर्षित करती है और कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। तो देखो, हमसे उल्टा कर्म क्यों होता है? क्योंकि हम बाबा को याद नहीं करते हैं। तो माया ध्यान रख रही है कि जैसे ही इनका योग कमजोर हुआ, मारो इनको। जैसे वो बॉक्सिंग में भी आपका अटेंशन कम हुआ, मल्ल युद्ध में भी अटेंशन कम हुआ, तो सामने वाला अपोनेंट जो होता है, प्रतिस्पर्धी होता है, वो आपको उठा के पटकने को तैयार ही है। आज मैं समुन्दर किनारे बैठ के यहाँ योग किया है मैंगलोर में, तो मैंने देखा मछली पकड़ने वाले थे, तो वही मैंने सोचा समुन्दर किनारे कितनी बड़ी मछली, तो एक बहुत बड़ी मछली हाथ में लगी। अभी मछली भी क्यों पकड़ी जाती है? क्योंकि वो मुंह खोलती है और उसके लिए ट्रैप होता है, वो खाने को जाती है, वैसे ही उसको उड़ा लिया। माया भी इसी तरह से हमको पकड़ती है, माया भी अपने दाने डालती है हमको पकड़ने के लिए। माया को पता है कि हमारी कमजोरी कौन सी है, वहीं से वार करेगी। तो ये प्रिवेंशन के लिए ध्यान में रखना है। बाबा ने आज वरदान दिया है, बच्चे अंतर्मुखी भव। और बाबा ने ये भी कहा कि अंतिम समय में ऐसा समय आएगा जब तुम बच्चे अंतर्मुख हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद नहीं रहेगा। और विशेष ये कहा कि तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। अभी ये बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन मुझे आया कि परम धाम में पहली बार आत्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है, तो उसको कुछ नहीं याद है, वो ब्लैंक स्लेट की तरह होती है। और जब पैदा होती है तब तो पता चलता है कि ये माँ है और ये पिता है, उसके पहले उसको कुछ नहीं पता होता है। तो जैसे हम आए थे, जो हिंदी में कहते नंगे आए थे नंगे जाना है, तो बाबा की कहावत है भरपूर होकर आए थे और भरपूर होके जाना है। तो ये विजुअलाइजेशन हमको देखना है। कुछ दिन पहले मुरली में बाबा ने कहा था, आप सतो प्रधान आए थे और जाएंगे भी सतो प्रधान। ये वही बात है, अलग अलग तरीके से बाबा कह रहा है। बाबा कहता है गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि यह हमारे माँ बाप है, ये फलाना है, तो अब फिर जाना भी ऐसे है। एक बाप के सिवाय कोई की भी याद बुद्धि में याद ना आए, कोशिश करना है घर में बहुत शांति हो। ये सब गृहस्थी वालों के लिए,
जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको ये अटेंशन देना है कि हम जहाँ पर हैं वहाँ शांति होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इष्ट देव है, जिस मंदिर के देवता जिस घर में साक्षात निवास करती है वो घर कितना प्रसन्न होना चाहिए। तो घर भी प्रसन्न, घर वाले भी प्रसन्न, और ये देवता जहां पर जाएगी वहां पर ये प्रसन्नता और शांति के प्रकंपन फैलाएगी। विशेष फिर से क्यों बाबा को ये कहना पड़ रहा है, मैं इसके ऊपर सोच रहा हूँ। माना कुछ बाबा के बच्चे अभी भी बाबा से कृपा और आशीर्वाद मांगते होंगे, नहीं तो इतने बार बताने के बाद ये मांगना बंद हो जाना चाहिए कि बाबा पति के बुद्धि का ताला खोलो, बच्चे को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, उसको ठीक कर दो। हर एक का अपना कर्म भोग है, हर एक का ड्रामा में अपना पार्ट है। बाबा ने स्पष्ट बताया, तुम अपने बुद्धि का ताला खोलो, तुम्हारी अवस्था से ही दूसरों का कल्याण होगा, तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। स्पष्ट बाबा ने कहा कि मैं किसी को न सुख देता हूँ न दुख देता हूँ, ये बात भूलनी नहीं चाहिए। तो बाबा कृपा और आशीर्वाद नहीं करता है, उसकी कृपा माना ये मुरली है, और मुरली के आधार पर हमको पुरुषार्थ करना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान हमको मिला है, और इस चक्र के ज्ञान से ही हम चक्रवर्ती बनने वाले हैं। तो कितनी अच्छी बातें बाबा ने सुनाई है। पहले हम बंदर मिसल थे, इसलिए उन्होंने नाम डाल दिया कि राम की बंदर सेना। तो बंदर से हम मंदिर मिसल बन रहे हैं, और हमारा ओरिजिनल नाम है शिव शक्ति सेना, शिव शक्ति पांडव सेना। बाबा तीन धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय। क्षत्रियों को बाबा ने कहा स्वर्ग कह नहीं सकते, कुछ मुरलियों में सेमी स्वर्ग कहा है, लेकिन रियल स्वर्ग माना सतयुग ही है। तो ये भी बात आज बाबा ने याद दिलाई कि राम को शस्त्र दिए, इवन शक्तियों के हाथ में भी कटारी दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ऐसा लवली बाप मिला है, उसको जानते नहीं है। विशेष उन लोगों के लिए कहा जो कहते हैं कि ब्राह्मण ही चाहिए। बाबा ने कहा ब्राह्मणी के बगैर धारणा नहीं होती। सत्य नारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। तो बाबा ये भी कहता है कि कोई भी मुरली सुनाए, हमको किसी देहधारी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, यह भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है। विशेष आज बाबा ने कहा कि बाप की मदद से सुली से काटा बन जाते हैं, तो हिसाब किताब तो आना है। ये हमने सुना है बहुत बार कि हमारे द्वारा जाने अनजाने जो भी कर्म हुए हैं उसका हिसाब किताब पेपर्स के रूप में आएगा। शरीर का पेपर, मन का पेपर, संस्कारों का पेपर, प्रकृति का पेपर, अपने संस्कार, दूसरों के संस्कार, ये सब आने हैं। लेकिन ये जो हिसाब किताब है ये सुली से काटा हो जाए, कहाँ सुली और कहाँ काटा। तो परिस्थितियां आनी जरूर है, लेकिन सब कुछ यहाँ चुकतु करना है, और चुकतु करने में बाप की शक्ति हमको मदद करती है ना। बड़ी बात को छोटा बना देती है, क्योंकि बड़ा बाबा साथ है। ये बहुत अच्छा वाक्य है, बड़ी बात भी छोटी हो जाती है क्योंकि बड़ा बाबा साथ है। मुझे आया कि कोई बहुत लंबी लाइन, ये मैथमेटिक्स का प्रिंसिपल है गणित का, आप एक रेखा खींचते हो लंबी, उसको छोटा करना है तो उसके बाजू में बड़ी रेखा खींच लो। ऐसे ही बात बड़ी है, पेपर बड़ा आया है, समझो धन का पेपर है, संबंधों का पेपर है, बीमारी का पेपर है, आजकल कैंसर बहुत होते जा रहा है, या और कोई हार्ट अटैक आया, या और कोई भी पेपर आया, तो पेपर बड़ा है, लेकिन अगर बड़ा बाप साथ है तो बड़ा बात बड़ी बात भी छोटी हो जाती है। और इसी से निश्चिंत रहेंगे। निश्चिंत कब रहेंगे? जब मैंने अपना सब कुछ सफल किया है, टाइम वेस्ट नहीं किया है, और मन और बुद्धि से बाबा को समर्पित है। भले हम समर्पित उस रीति से नहीं है जैसे बहने और भाई समर्पित होते हैं, लेकिन मन बुद्धि से हम समर्पित है, ट्रस्टी बनकर चलते हैं, तो बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, डबल लाइट हो जाएंगे, और सभी बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएंगे। यही बाबा ने आज कहा है। तो बिल्कुल चिंता नहीं करनी है,
बाबा की मदद का अनुभव करना है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखना है। जितना शुभ भावनाओं का स्टॉक होगा उतना कैसी भी परिस्थिति हो, कितनी भी निगेटिव हो, हम उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। आज की पूरी मुरली में टेक हो, बाबा ने कहा देही अभिमानी बनेंगे तो शीतल बन जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएंगे, अंतर्मुखी हो जाएंगे तो फूल बन जाएंगे। बाबा ने हमको वरदान दिया है सुख और शांति का, चाहे कोई कितना भी परेशान करे हमें उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है, मुख में मुहलरा डाल देना है, चुप रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, कांटों के बीच में फूल बनकर रहना है। मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ या भगवान की अगरबत्ती हूँ, मेरा काम है विकारों की बदबू को परिवर्तन करना ईश्वरीय ज्ञान गुण के खुशबुओं से। आशीर्वाद और कृपा मांगनी नहीं है, खबरदार रहना है, आंखों को कंट्रोल में रखना है, बंदर मिसल से मंदिर मिसल बनना है, और बाप की मदद से सुली को काटा बनाना है, शुभ भावना के स्टॉक से निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करना है। अच्छा, ओम शांति।